हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों के बाद आपसे बातें कर रही हूँ और यहाँ पे मैं ये गेहूँ क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर का आटा पूरा खत्म हो चुका है, तो मुझे अभी ये काम करना है। फ्रेंड्स, आप बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, वीडियो देखते हो, तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। फ्रेंड्स, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, जब मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा तो मैं आपको ऐसे ही बोलूँगी नहीं, तब तक प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और मैं आपको अच्छे अच्छे ब्यूटी के, किचन के और गार्डन के टिप्स बताते जाऊंगी। तो मैं अभी यहाँ से गेहूँ साफ करूँगी। इसमें ज़्यादा कचरा नहीं है बिल्कुल ही, पर कचरा हो या ना हो, कोई भी हम अनाज लाते हैं तो वो क्लीन करना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ये पूरे क्लीन करूँगी आज गेहूँ। आज तो मुझे ढेर सारे काम थे, एक दो कस्टमर की सिर्फ थ्रेडिंग ही की है आज, और शाम को भी थ्रेडिंग आने वाली है, फोन आया था। आज कटिंग तो कोई आई नहीं, तो कटिंग का वीडियो नहीं है आज। और यहाँ पे मैं सब गेहूँ क्लीन कर लूँगी। और गेहूँ क्लीन होने के बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ अभी, क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी हम कोई कचरा करते हैं घर में तो वही के वही क्लीन किया तो अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत ढेर सारा कचरा हो जाता है और घर पूरा गंदा हो जाता है, और मुझे गंदगी ज़रा भी पसंद नहीं है। फ्रेंड्स, आज मैं ढेर सारा घर का काम करने जा रही हूँ, उस काम की वजह से मेरा घर अच्छा और क्लीन दिखेगा और आपके साथ भी शेयर करूँगी। मेरे बाल कटे हैं तो देखो कैसे निकल रहे हैं, पर मैंने पीछे से पिनअप कर दिए हैं क्योंकि मुझे काम करते वक्त बीच बीच में आते हैं तो काम नहीं सूझता। तो चलो अभी ये जो रैक है वो मैं पूरी क्लीन करती हूँ। और यहाँ मैं फास्ट में डिब्बे निकालते जा रही हूँ, और जो जो सामान है वो अलग से रखूँगी। जो डिब्बे घिसने वाले हैं वो घिसने के लिए डालूँगी और ये सभी डिब्बे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फ्रेंड्स, 15 दिन में ऐसी तो सफाई करनी ही पड़ती है, नहीं तो बहुत सारी गंदगी किचन में हो जाती है। एक खाली डिब्बे है, मैं ये धोने के लिए डाल दूँगी घिसने के लिए। और ये जो पेपर है नीचे का वो भी फेंक रही हूँ, अब यहाँ पर नया पेपर डालूँगी और रैक अच्छे से क्लीन करूँगी। ऊपर की भी सब डिब्बे निकाल रही हूँ। 15 दिन में ऐसी क्लीनिंग होनी ही चाहिए, नहीं तो क्या होता है, ढेर सारा कचरा इसमें हो जाता है, और जो जो डिब्बे में क्या क्या है वो भी हमें देखना पड़ता है, नहीं तो हम किराने में नया नया सामान लाते जाते हैं और पुराना वैसा ही रह जाता है। तो इसलिए मैं 15 दिन में सभी डब्बों की चेकिंग कर लेती हूँ। अब पेपर्स सब निकाल लिए हैं, अभी रैक की क्लीनिंग करूँगी अच्छे से पोंछ के। मैं झिकझक करके ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको फास्ट में, क्योंकि फ्रेंड्स, एक गीला कपड़ा है और एक सूखा कपड़ा है, एक बनियान है ऐसी फटी हुई और एक गीला कपड़ा है, इससे मैं अभी पूरे डब्बे क्लीन करूंगी। और ये लाइजोल के पानी में मैंने भिगोया हुआ है। तो ऐसे ही मैं 15 दिन वाली क्लीनिंग करती हूँ। ऐसे 15 दिन में हमारे डिब्बे पर धूल मिट्टी ऐसे ही जम जाती है, वैसे तो 8 दिन में करती हूँ ऐसे ही कपड़ा लगाती हूँ, पर 15 दिन में तो गीले कपड़े से ही मैं सभी डब्बे पोंछ डालती हूँ। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स सभी काम। पहले मैं सभी डिब्बे गीले कपड़े से पोंछूंगी।
और गीले कपड़े से पोंछने के बाद फिर सूखे हुए कपड़े से पोंछूंगी, क्योंकि ऐसे में अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और डिब्बे की पूरी धूल मिट्टी निकल जाती है। ऐसे थोड़ा सा ताकत लगा के ये डब्बे पोंछने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कभी कभी ये वीडियो थोड़ा सा मैंने फास्ट में दिखाया है, क्योंकि क्लीनिंग का वीडियो पूरा दिखाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा फास्ट करके दिखाया है। वैसे तो मुझे फास्ट करके दिखाना अच्छा नहीं लगता, पर आज दिखा रही हूँ। ये ऐसी 15 दिन की क्लीनिंग चाहिए ही, इसकी वजह से किचन चमक जाती है और अच्छी दिखती है। क्योंकि हम ज़्यादा गंदगी रखेंगे किचन में तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, मूड फ्रेश नहीं रहता खाना बनाते वक्त। तो मैं जैसे पार्लर क्लीन रखती हूँ, खुद को क्लीन रखती हूँ, वैसे किचन भी क्लीन रखती हूँ हमेशा। तो 15 दिन में एक एक रैक मैं क्लीन कर ही लेती हूँ। वैसे तो 8 दिन में करती हूँ, पर 15 दिन के बाद एक का नंबर आ जाता है और किचन पूरा चमक जाता है। यहाँ पर लगा रही हूँ पेपर्स फास्ट में। क्योंकि पेपर्स नहीं लगाए तो रैक जल्दी ही ख़राब हो जाती है, और जब हम घिसने के लिए निकालते हैं तो बहुत हाथ दुखता है, पर रैक क्लीन नहीं होती, तो इसलिए मैं ऐसे पेपर्स डाल रही हूँ। अभी पेपर्स डाल के हो चुके हैं, अभी मैं यहाँ पे सभी डिब्बे स्टेप बाय स्टेप लगा लूँगी, एक जैसे डिब्बे साथ में ही रखूँगी। अभी शाम के बजे है 6:30-7 और अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। खिड़की में से आपको अंधेरा दिखता ही होगा, क्योंकि जब वक्त मिला तब क्लीनिंग करनी पड़ती है। और इसके बाद पार्लर में एक थ्रेडिंग का कस्टमर आएगा, उनकी थ्रेडिंग भी बनानी है। ऐसी मेरी फास्ट वाली दिनचर्या रहती है। पूरे डब्बे में अच्छे से लगा लूँगी, और आज ये दो रैक तो आज क्लीन कर ही लूँगी। आज आपके साथ तो इतना ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पूरा शेयर करूँगी क्लीनिंग का तो 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा और वो कोई देखेगा नहीं, और इतना बड़ा रहता भी नहीं। और ये मसाले के छोटे छोटे डिब्बे में आगे रख रही हूँ। जब भी बड़े डिब्बे रखे उसके आगे छोटे रखे तो पीछे के डिब्बे में क्या है वो हमें पता चल जाता है। और जो एक्स्ट्रा सामान है वो हटा दे, जो बिल्कुल ही यूज नहीं करते। किसी किसी की तो एक्सपायरी जा चुकी होती है पॉकेट के, कोई मसाले वैसे ही पड़े रहते हैं डिब्बे में। मैं तो हमेशा चेकिंग करती ही हूँ किचन की। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह मेरी पूरी किचन सेट हो चुकी है। यहाँ सब पीछे में दालें अनाज रखे हैं, और आगे में मैंने थोड़े मसाले और ये मसूर की दाल रखी है, ये मूंग है, मूठ है, सब अनाज यहाँ पर दालें रखे हैं। और यहाँ पर थोड़ा स्पेस खाली रखा है, कुछ डिब्बे घिसने के हैं, उसके बाद उसमें सामान भर के यहाँ पर रख दूँगी। और अभी 7:30 बजे होंगे, अभी मैं आ गई हूँ पार्लर में और इनकी थ्रेडिंग बनाऊँगी, और वो थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनकी बेटी आई है साथ में, छोटू सी 5-6 साल की, वो शूटिंग ले रही है।
तो मैं यहाँ थ्रेडिंग का थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको। उनको ठीक से कैमरा नहीं पकड़ने आ रहा है, बेटी छोटी है इसलिए। फिर भी मैं आपको अच्छे से थ्रेडिंग दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। और हल्के हाथ से मैं इनकी थ्रेडिंग कर रही हूँ, क्योंकि बाल बहुत ही कम है थ्रेडिंग को थ्रेडिंग के, और मुझे अच्छे से थ्रेडिंग बनानी है इनके। ऐसे मैं धीरे धीरे एक एक बाल निकाल रही हूँ, क्योंकि बाल ज़्यादा आए तो थ्रेडिंग बिगड़ जाती है और बिगड़ी थ्रेडिंग दोबारा अच्छी होती नहीं। तो इसी तरह मैं अच्छे से इनकी अभी ये थ्रेडिंग बना लूँगी। फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ रोज़ वीडियो अपलोड करूँ, पर क्या करूँ, होता नहीं, जमता नहीं। तो कोशिश तो कर रही हूँ रोज़ अपलोड करने की। ये वीडियो मेरा कल सुबह आ जाएगा। अब देखती हूँ 9 बजे का टाइम करूँ अपलोड करने का। आप भी ऐसे पतले बालों पर थ्रेडिंग करें तो ऐसे धीरे धीरे से ही करें, तो थ्रेडिंग ख़राब नहीं होगी, अच्छी ही आ जाएगी। इधर की हो चुकी है, अब इधर की थ्रेडिंग कर रही हूँ। थ्रेडिंग करने को मुझे सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। किसी किसी की 5 मिनट में भी कर देती हूँ और थ्रेडिंग हो जाती है, क्योंकि ये 15 साल का मेरा अनुभव है और मेरा हाथ बैठ गया है। फिर भी इनकी मैंने धीरे धीरे ही बनाई, क्योंकि इनको ज़्यादा बाल नहीं थे थ्रेडिंग के इसीलिए। और ये मेरी हमेशा वाली कस्टमर है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा इतना सही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय एंड टेक केयर।